हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा मतलब ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन खाना बनाने के लिए। नाश्ता तो हो चुका है, नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता कर लिए थे और अभी किचन जा रहे हैं और अभी बनाएंगे खाना उना, क्योंकि अब खाना खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो अभी फटाफट से खाना बना लेते हैं। गर्मा गर्म खाना रेडी हो चुका है, आलू भुजिया दाल और फिर ग्वार सूटी की सब्जी है आज, तो खा लेते हैं अभी। अभी शाम हो गया है और हम हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी, क्योंकि हम अभी जाने वाले हैं थोड़ा सा मार्केट साइड और फिर देखेंगे। अभी पूरा पूरी तरह शाम हो चुका है और इधर साइड गेट तो बंद कर लिए, ये गेट खुल गया है, गाड़ी निकल चुकी है, तो चलिए हम भी निकलते हैं। अब बाजार आते आते हम लोग का थोड़ा अधिक ही शाम हो गया है। यहाँ एक झोला ले लेते हैं और झोला लेके हम लोग सब्जी लेने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। देखिए कितना अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा है, तो कुछ कुछ सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे जो जो सब्जी मिलेगा। अभी हम वापस घर आ गए हैं और अपने साथ में एक डोरबेल लेते लाए हैं। ये रहा ये डोरबेल, और पहले भी एक लगाए थे हम लोग, लेकिन वो खराब हो गया इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। और हम लोग जब ऊपर रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि नीचे कौन आया है कौन नहीं आया है, और फिर आवाज लगाते हैं कोई नीचे से तो भी पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको लेते आए डोरबेल को। और अभी खोलते हैं इसको, थोड़ा सा आराम से बैठ लेते हैं, बाहर से आए हुए हैं तो ये है न्यू डोरबेल। तो इसको पहले खोलते हैं और इसमें अलग अलग तरह का ट्यून बजता है, इसीलिए इसको लिए। इसमें बैटरी भी लगा है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो इस बैटरी से भी काम चल सकता है। यहाँ पे देखिए बैटरी लगा हुआ है और इसको भी सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्यून तो नहीं बजेगा। तो अभी दोनों बैटरी को सेट कर दिए हैं और बजा के देखते हैं कैसे बजता है। मस्त बज रहा है। अलग अलग तरह का बजता है, अभी तो एक ट्यून बजा। अच्छा बज रहा है लेकिन। और यहां से इसको ऑफ ऑन करना पड़ता है, ये ऑन ही था, तो इसको अभी लगाएंगे हम लोग। अच्छा ऑटोमेटिक यहाँ बज रहा है, क्योंकि यहाँ पे तार सट चुका है। मुझे लग रहा था कहाँ से बज रहा है, छुआ ही नहीं थे तार में। अच्छा काम करेगा, इसको अभी लगाते हैं। अभी जस्ट लाए हैं तो इसको अभी ही लगाएंगे। बेल तो कनेक्ट कर दिए और मार्केट से आने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग का रिजल्ट आज आ चुका है, तो मैं चेक की, लगभग ठीक ठाक ही है, ना अधिक है ना ही कम है, बल्कि बीचों बीच में है। मैं टॉपर स्टूडेंट रही नहीं हूँ, इसीलिए मैं अधिक परसेंटेज का उम्मीद भी नहीं रखी थी। जो हिसाब से मैं लिखी थी उसी हिसाब से मैं सोची थी, तो जैसा मैं सोची थी उसी टाइप से आया, ना अधिक आया ना कम आया, बल्कि बीचों बीच में आया, बस 1-2% ऊपर नीचे हो गया है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जैसा सोची थी, जो कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती थी 12th के बाद में, जो सब्जेक्ट मैं लेना चाहती थी उसमें मेरा एडमिशन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो भी होगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा ब्लॉग में। और मेरा आशा है कि आप लोगों का भी, जो मेरे ब्लॉग देखने वाले हैं आज, जिनका रिजल्ट आया है 12th बोर्ड का, उनको भी अपना टाइप का नंबर मिल गया होगा, मतलब जैसे वो लिखे थे। और मेरी आशा है कि उनको अपना अपना पसंदीदा कॉलेज मिल जाए जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं, जिसमें वो सोच के रखे हैं। एक होता है ना स्टूडेंट का कि सोच के रखते हैं कि इसके बाद मैं वो कॉलेज जाऊंगा, वैसे पढ़ूंगा, वैसे करूंगी। तो उसी हिसाब से जो कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और अभी काफी रात होने भी आया है, तो मैं खाना वाना पकाऊंगी, डिनर बनाऊंगी। तो अभी जा रहे हैं किचन की ओर, क्योंकि खाना भी तो बनाना है, अभी रात हो गया तो क्या खाएंगे। तो वहां से आने के बाद आ गए अभी किचन, और अभी मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी, फटाफट से बनाऊंगी, क्योंकि चिकन लेते आए हैं हम लोग, उधर से ही मार्केट था तो चिकन लेते आए, चिकन बिरयानी बनाने का सोचे हैं। पर चिकन बिरयानी एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, और बिरयानी तो हम भेज ही बनाएंगी मैं, और चिकन का सब्जी बनाऊंगी, चिकन का कस्सा बनाऊंगी और वैसे ही खाएंगे। तो यहाँ पे जो कि चावल भींगने के लिए दे दी थी मैं, चावल तो भींग चुका है यहाँ पे, और इधर है सोयाबीन, ये भी भींग गया है। तो अभी ये सब का ही बनाएंगे, फटाफट से पहले बनाते हैं क्योंकि काफी रात भी होने वाला है, अभी लगभग 8:30-9 बजने वाला है, तो जल्दी से अभी डिनर बनाते हैं, नहीं तो फिर खाते खाते भी टाइम लग जाएगा। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पानी गर्म कर लूंगी, क्योंकि चावल को उबालना है और ये थोड़ा फूला है, तो अब थोड़ा उबलेगा तो पकने का टाइम अधिक लेट नहीं करेगा।
तो चावल सबको पहले उबाल लेते हैं। इससे पहले मैं तो घी डालना भूल ही गई थी, घी डालना है, लौंग इलायच वो सबको भी डाल देंगे तो अधिक स्वादिष्ट लगेगा। तो अभी जो कि घी डाल देते हैं थोड़ा सा, और दो गो तेज पत्ता, और फिर लौंग इलायच सब है ये सबको डाल देंगे। और इसके बाद में, इसके उबलने के बाद में चावल को डाल देंगे, ताकि चावल भी जल्दी से उबल जाएगा जैसे बुलबुला आने लगेगा। अभी डाल देते हैं सारा चावल को, अब ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से उबल जाएगा। चावल तो उबल ही जाएगा, तो अभी वेज बिरयानी बना रहे इसीलिए आलू का भी जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आलू को छील लेते हैं। तो ये घर का आलू सभी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पापा लगाए थे आलू तो उसी को अभी बना रहे हैं। चावल तो उबलने लगा है मस्त वाला, अभी देखिए एकदम व्हाइट ही व्हाइट दिख रहा है। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैं कुछ सब्जी ले ली हूँ, जैसे कि छिला हुआ आलू था जो मैं छिली थी, और ये टमाटर रहा, और ये सोयाबीन। तो इसको अभी सारा मसाला के साथ में मिक्स कर लेते हैं। अब मिर्च पाउडर भी डालना है थोड़ा सा, ये रहा लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, देके सबको मिक्स करते हैं अच्छा से। तो ये अभी पूरा पूरी मिक्स हो गया है। इसी बर्तन में मैं अभी बिरयानी बनाने वाली हूँ इस कुकर में। तो पहले प्याज सबको फ्राई कर लेते हैं। अभी तेल हो चुका है गरम, अब सारा प्याज को डालते हैं इसमें। सारा प्याज को भी अच्छे से फ्राई करते हैं। पूरा पूरी फ्राई हो गया है मस्त वाला, देखिए क्या कलर आ गया है प्याज का। इसको अभी डाल देते हैं पकने के लिए। सारा तो मसाला दे दिए थे, थोड़ा सा पानी देके इसको पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे। जी तो मस्त वाला पक गया, अभी उबलने लग गया है। तो अब डालते हैं इसमें चावल। नहीं, चावल से पहले हम लोग को गरम मसाला और बिरयानी मसाला डालना है, उसको भी कुछ देर उबलने के लिए दे देंगे। तो ये रहा बिरयानी मसाला, कुछ बिरयानी मसाला डाल दी, और गरम मसाला भी डाल देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें चावल, सारा पानी हटा दी हूँ इसका, तो इसको भी डालते हैं यहाँ। अब इसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं ऊपर से, हल्का हल्का बस, और बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा, और जो मैं प्याज फ्राई की थी उसका लेयर लगा देंगे अभी। तो इसको अभी चारों तरफ से कवर कर देते हैं। अब बनाने वाली हूँ मैं चिकन कस्सा। उसके लिए चिकन को मैं हल्दी से पूरा मिक्स कर दी हूँ, प्याज में बाद में डालूंगी, अभी इसको ही पहले फ्राई कर लेते हैं। कुछ देर इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसका पेस्ट बनाएंगे। इधर प्याज ले लिए हैं दो गो, छोटा प्याज बड़ा प्याज, टमाटर है दो गो, और इधर है तीन गो मिर्ची। तो इसका अभी पेस्ट बना लेते हैं फटाफट से। मस्त वाला एकदम पेस्ट बन गया, इसको अभी चिकन में मिलाएंगे। जैसे ही ये चिकन फ्राई हो गया था, वैसे ही मैं इसमें पेस्ट डाल दी जो अदरक लहसुन वाला था, और इसमें मैं डाल दी हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला। तो इसको अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो अभी बिरयानी रेडी हो चुका है, ये रहा बिरयानी, और इसके साथ चिकन कस्सा लाई हूँ मैं। तो अभी खाते हैं, और काफ़ी रात भी हो गया है, खा पी के आराम से सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।